राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को तुलसी मैया की विदाई का पूजन बना के वीडियो दिखाई हूँ कि कैसे पूजन करते हैं, कैसे तुलसी माता की विदाई करते हैं, और सब चीज़ें हमने आप लोगों को करके दिखाया है कि क्या क्या करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज मैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की पूजन विधि बता रही हूँ, तुलसी माता की विदाई सेवा पूजन कैसे करते हैं। इसे जानने के लिए आप लोग स्टार्टिंग से देखिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, विदाई में कैसे पूजन करते हैं, सेवा कैसे करते, कैसे क्या क्या सामग्री चढ़ाते हैं। यथाशक्ति सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार वस्त्र आदि आभूषण जो भी व्यवस्था हो आप चढ़ा सकते हैं। तो हम सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले तुलसी मैया को जल चढ़ाएंगे, जल से सिंचन करेंगे। दीपक, किसी भी पूजा में दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए मैं दीपक पहले प्रज्वलित कर ली हूँ। स्थान देवता की पूजा होती है, अब मैं सबसे पहले हल्दी लगाऊंगी। ये हल्दी, फिर कुमकुम लगाऊंगी। अब मैं ये आलता खोल के रखी हूँ, ये महावर है, महावर ये माता रानी को लगाऊंगी, क्योंकि माता रानी की पूर्णिमा की विदाई की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैं ये आलता लगाऊंगी। ये आलता लगाते हैं और इसको ऐसे चढ़ा दे रहे हैं। जो बचा है आलता थोड़ा सा है तो ये प्रसाद स्वरूप यूज कर लेंगे हम, और फिर उसके बाद में सिंदूर लगाएंगे। ये सिंदूर है, फिर माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर ये बिंदी है, बिंदी लगाएंगे माता को। ये बिंदी लग गई क्योंकि ये श्रृंगार कर रहे हैं ना, इसमें सब कुछ चढ़ाते हैं। ये चूड़ी माता रानी को चढ़ गई है, उसके बाद मैं श्रृंगार में रख ली हूँ, श्रृंगार की सामग्री में पूरा सब कुछ रखे हैं, और फिर पुष्प चढ़ा देते हैं। ये पुष्प समर्पित हो गया है और माता रानी के लिए ये वस्त्र बनाए हैं हमने। ये वस्त्र तैयार किए हैं तो इसको हम तुलसी मैया को पहना देंगे। ये पहन ली है ये वस्त्र और फिर ये चुनी भी उड़ा देंगे। ये चुनरी उड़ा दिए हैं, और ये माला है, ये माला माता रानी को पहना देंगे। माला पहन ली है, ये देखिए माला पहना दिए हैं। यदि वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप इसे भी समर्पित कर सकते हैं। ये मौली मौली वस्त्र का काम करती है, इसे हम वस्त्र स्वरूप तोड़ के चढ़ा देते हैं थोड़ा माता रानी को कि वस्त्र समर्पित
करती, यदि नहीं है तो ऐसा नहीं सब कुछ हो ही, अगर नहीं है तो आप वस्त्र के स्वरूप में मौली को चढ़ा दें। और ये कुछ फल है, मिठाई है, मतलब लड्डू है, इसमें सेब का फल रहता मेरे पास, तो वो मैं चढ़ा दे रही हूँ माता जी को। अब ये देखिए, हमने सिंदूर, टीका, चंदन, फूल आदि लगा दिया है और माता जी को ये वस्त्र बनाई हूँ, ये वस्त्र पहना दी हूँ नीचे, और ऊपर से चुनरी उड़ा दी हूँ ऊपर से, क्योंकि ये चुनरी हल्की है तो ये संभलेगी, बाकी भारी चुनरी मैं ले तो आई हूँ लेकिन ये रुकती नहीं है। तुलसी माता मेरी बहुत छोटी है ना, तो ये चुनरी उनके ऊपर रुकती नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं ऐसे ऐसे डाल देते हैं, तो यह माता रानी को चुनरी, माता रानी की चुनरी हो जाती है। ये देखिए, ये माता की चुनरी हो गई, ऊपर से चुनरी पड़ गई, नीचे का वस्त्र हो गया, ऊपर की चुनरी हो गई, ये चुनरी हो गई, इसको भी चढ़ाए हैं। और ये भोग, भोग के लिए ये लड्डू है, सेब था मेरे पास तो वही भोग लगा दी हूँ, और ये नारियल श्रीफल, ये श्रीफल है, इसे समर्पित कर दे रही हूँ। ये सब चीज़ें हमने समर्पित कर दिया है माता जी को। और फिर उसके बाद ये बिंदी, यहाँ पर हमने बिंदी लगा दिया है माता जी को, माता रानी का श्रृंगार कर दिया है। अब मैं माता रानी को जो वस्त्र समर्पित करने के लिए ले आई हूँ, जो श्रृंगार सामग्री है, वो मैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये माता जी को समर्पित करने के लिए ये कप साड़ी है, इसमें श्रृंगार का सामान है, जो कुछ पैसा था, थोड़ा बहुत पैसा है, ये सब मैं माता रानी के लिए ले आई हूँ विदाई के लिए। और फिर मैं ये सब चीज़ें समर्पित करती हूँ माता को, फिर समर्पित करके पास में रख देती हूँ। पास में रख दी हूँ, ये माता का श्रृंगार हो गया है। पूर्णिमा के दिन माता रानी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए, जैसे उनको हल्दी भी चढ़ानी चाहिए, चंदन भी चढ़ाना चाहिए, कुमकुम, मौली और महावर, महावर भी लगाना चाहिए, हमने वो सब कर दिया है, आप लोगों को दिखा दिया है। फिर माता रानी को वस्त्र भी पहना दिए, चुनरी भी चढ़ा दिए, और बड़ी चुनरी भी हमने उड़ा दिए, क्योंकि वो उनके ऊपर टिकती नहीं, इसीलिए हमने उसको नीचे से ही रख दिया है, और ये सब वस्त्र हमने चढ़ा दिया है। और एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि ये माता की विदाई है तो हम इसमें माता को गले लगाते हैं, जैसे माँ अपनी बेटी को विदा करती है गले लगाती है, वैसे तुलसी मैया को गले लगाते हैं और भेंटते हैं। उसके बाद में हम माता रानी को फिर उठा के ले जाते हैं, जहाँ बिठाना रहता है फिर वहाँ हम तुलसी मैया को बिठा देते हैं। तो हम देखो कैसे माता रानी को भेंटते हैं, माता रानी को ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं जैसे सभी लगाते हैं अपनी बेटियों को, वैसे तुलसी मैया को गले लगाते हैं। गले लगाकर माता से अपनी क्षमा प्रार्थना करते हैं, जो कुछ गलती हो गई हो माँ, अपराध क्षमा करना, आज हमारा व्रत पूर्ण हुआ कार्तिक मास का, और आपकी विदाई करते हैं। ऐसे माता रानी को गले लगा कर क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। ये हो गई कार्तिक मास की पूर्णिमा की तुलसी मैया की सेवा और विदाई कैसे करते हैं, इस पर हमने आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। और यदि कोई कमी हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आगे ध्यान में रखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं
और उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप लोग बताएंगे तभी तो हमें भी समझ में आएगा कि हमसे भी क्या गलती हो रही है। यह वीडियो आप लोग पसंद करें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।